हेलो एवरीवन, स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर ज़्यादातर हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक लेके आते हैं। आज भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है। सबसे पहले स्टॉक का नाम बता देते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अमल लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 430 रुपया, ये यहाँ पे 430 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो अभी इस पर क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, और इस स्टॉक पे चर्चा करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लर्निंग पर्पज़ से वीडियो बताते हैं कि आपको कब क्या करना है। मार्केट के हिसाब से हर रोज़ हमारा एक स्टॉक आता है, और मार्केट क्या कर रहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, मार्केट में क्या पोजिशन चल रही है उस पर भी चर्चा करते हैं, और कौन सा स्टॉक क्या करने वाला है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, और हमारे जितने भी हम लोग रिसर्च करके लेके आते हैं। आप अगर चैनल में नए हो तो आप चैनल में ज़रूर जाके विजिट करो और ख़ुद का देखो उनका परफॉर्मेंस, कि वो कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहे हैं, और आप ज़रूर जाके उसे चेक करिए और ख़ुद ही एनालाइज़ कर लीजिए। चलिए ये स्टॉक पर चर्चा करने से पहले देखिए इसका स्टॉक का थोड़ा दिखाते हैं आपको कि ये स्टॉक कर क्या रहा है। देखिए ये स्टॉक ट्रेंड में आता है, ये यहाँ पे ट्रेंड में आता है 80 रुपये, 2017 में 80 रुपये पर ट्रेंड में आता है। विद इन कुछ महीनों में ये 190 के हाई लगाता है। देखिए 190 के हाई लगाता है, और उसके बाद क्या किया है, देखिए 2017 में एक हाई लगाता है 190 रुपीज़ के बाद, उसके बाद देखिए ये 4 साल तक साइडवेज रहता है लगभग, और जैसे ही ये 190 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट देता है 2021 में, तो क्या होता है कुछ ही महीनों में स्टॉक यहाँ से डबल हो जाता है। तो इस स्टॉक का नेचर क्या बता रहा है कि जब भी इसमें काफ़ी लंबे टाइम के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वो काफ़ी शानदार ब्रेकआउट रहता है। आपने यहाँ पे भी देखा, और अभी क्या करा, अभी सेम सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे एक 400 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद सोचिए 2021 में 400 का हाई, और अभी 2024 आज है 430 रुपये के आसपास। तो अभी क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ना इसने मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे देखिए 420 रुपये के आसपास, यहाँ पे 420-25 के आसपास, यहाँ पे भी सेम लेवल 425, तो कहीं पे भी ये 420-25 के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आप देखिए ये वीकली टाइम ऑफ फ्रेम खुला हुआ, आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इसने 425 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दी थी। यहाँ पे एक बार दी थी, मगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद कभी भी ये 425 के ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग नहीं दी है। तो अभी क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जितनी बार इसने यहाँ पे टाइम लिया है इसको पार करने में, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो यही ट्रेंड लाइन इसके सपोर्ट का काम करेगी, और आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आपने देखा ही है कि जब ये टाइम लेता है और उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है कुछ ही महीनों में डबल होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे गुंजाइश हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, ये यहाँ से डबल हो सकता है। मगर आपको क्या करना है, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई फाइनेंशियल हो उसे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। देखिए जो मैं मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ, जो आने वाले 2 से 3 महीनों में, मैं 3 से 2 महीनों का टारगेट देता हूँ। कोई होता है 10 दिन में फुलफ़िल कर जाता है, कोई 4 दिन में हो जाता है, कोई हफ्ता 15 दिन लेता है। तो आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट के साथ ऑलवेज मार्केट में रहें, क्योंकि फिर सब मैसेज आते हैं मुझे कि सर आपने ये बताया था लर्निंग पर्पज़ के लिए, अभी तो ये ऐसा चल रहा है। देखिए टाइम बताते हैं हम लोग जो भी स्ट्रक्चर बताते हैं, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग उसके टारगेट देते हैं कि इतने समय में ये टारगेट आ सकते हैं, तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अब आज ही दिए और कल ही हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना, थोड़ा टाइम दीजिए, मनी मैनेजमेंट के साथ मार्केट में रहिए, मार्केट ऑलवेज आपको रिवॉर्ड देगा। और देखिए यहाँ पे जो टारगेट है ना, ये दिखा रहा हूँ, फर्स्ट लेवल 495, सेकेंड लेवल 545, यानी कि यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से ये दे सकते हैं। 25 से 30% का रिटर्न आसानी से ये 2 से 3 महीनों में दे सकते हैं। अगर आप इसे कुछ महीने होल्ड करोगे, साल डेढ़ साल, तो यहाँ से डबल होने की पोटेंशियल लगता है, क्योंकि आपने पिछले देखा है, पिछला स्ट्रक्चर पे आपने देखा है, जैसे इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है शानदार मूवमेंट मिलती है। तो यहाँ पे भी जैसे ही स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट आएगा 440 के ऊपर में इसका ब्रेकआउट आएगा, उसके ऊपर में से शानदार इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए। किसी भी स्टॉक के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम लोग उस पर भी वीडियो बना के लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।